नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं कैसे चेक करने हैं आपको। साथियों, क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, कुछ देर ना करते हुए। साथियों, आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में, ssc.nic.in। ये साथियों एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। साथियों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस साइट पर जाने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ फिल करनी है, अपने पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पे ये जो वाला कैप्चा है यहाँ पे फिल करना है। साथियों, मैं मेरा कर लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। कैप्चा वगैरह फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सर्वर लोड ले रहा है क्योंकि एसएससी जीडी की लास्ट डेट चल रही है अभी, इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्स्टेबल्स जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें साथियों आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड ऑफलाइन चालान, पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। थोड़ा वेट करना है, लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, अप्लाई फॉर्म, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आपको इसके सामने दिख जाएगा कंप्लीट अपलोडेड, कंप्लीट। यहाँ पे मेरा दिख रहा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड, यानी अभी वेरीफाई नहीं हुआ है एसएससी की तरफ से। यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये भी कंटेंट नॉट वेरीफाइड बोल रहा है। अप्लाई फॉरम, ये भी कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड बोल रहा है। पेमेंट स्टेटस, इसमें मेरी पेमेंट के साथ ही नील था इसलिए इसमें एक्सेप्टेड बोल रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा होगा आपको, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। ये साथियों आपको जब लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद में दिखेगा आपको। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पे ओनली वेरीफाइड लिखा आएगा, वेरीफाइड लिखा आएगा। अगर वेरीफाइड के और अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट दिख जाएगा। ये साथियों आप कुछ नहीं करना, लास्ट डेट निकलने के बाद में उसके बाद में देखना है आपको यहाँ पे, उसके बाद में चेक करते रहना है आपको, तब आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो वेरीफाई लिखा आ जाएगा सभी जगह यहाँ पर, अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो सभी जगह रिजेक्ट लिखा आ गया होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे।